आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़ने जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव गांव शहर शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। सियासत के एक्सप्रेसवे पर कौन से मुद्दे भर रहे हैं रफ्तार। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे खास चुनावी कार्यक्रम क्या बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हम मौजूद हैं माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में, वो इंदौर जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त है। इस इंदौर के क्या हैं चुनावी मुद्दे, इंदौर के आसपास के लोग क्या चाहते हैं अपने नेताओं से, ये आज हम जानेंगे रेल के सफर में। और इसलिए हम पहुंचे हैं इंदौर रेलवे स्टेशन, जहां पर हम विकास का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि रेल यात्रियों को किस तरह की सौगातें इस इंदौर स्टेशन के माध्यम से मिल रही हैं। साथ ही हम ट्रेन के सफर में जानेंगे कि इस पूरे इलाके के चुनावी मुद्दे क्या हैं। हम ट्रेन के सफर में लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे मध्य प्रदेश और खासकर मालवा की राजनीति को, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण 2024 में पूरे भारत में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो मध्य प्रदेश के दिल में क्या है, इंदौर के दिल में क्या है, मालवा के दिल में क्या है, आइए निकलते हैं इस चुनावी सफर में। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर, और इस रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बिल्कुल वैसी ही सफाई है जैसी सफाई पूरे इंदौर शहर में नजर आती है। और यहां पर हम बात करेंगे कुछ यात्रियों से, जानेंगे उनसे कि इंदौर स्टेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके अनुभव क्या है, और साथ ही हम उनसे करेंगे राजनीतिक चर्चा कि 2024 के चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। इंदौर को कहते हैं कि बड़ा साफ सुथरा शहर है, रियल में साफ सुथरा। इंदौर स्टेशन की क्या स्थिति है? रियल में साफ सुथरा है, जैसा कहा जाता है वैसा नंबर वन इंदौर है, वैसा इंदौर स्टेशन भी है। यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे कोई भी बंदा होगा कोई भी चीज़ को फेंकना नहीं है, कुछ भी होगा फालतू चीज़ जेब में रख लेगा, आज देखे डस्टबिन में ही डालता है। जैसा इंदौर का है वैसे पूरे इंदौर का ऐसा अलग है। जैसा इंदौर का स्टेशन साफ सुथरा है वैसे ही पूरा है, वैसे ही पूरा इंदौर है। अच्छा, अब जब बात हो रही है अपनी राजनीति की, बात कर लेते हैं, 2024 का चुनाव आ रहा है। हाँ। तो जैसा आपने बताया इंदौर का बड़ा साफ सफाई रहती है, ऐसे बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस को साफ कर देंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने जो काम कर रखा है हर जगह, जिस जगह भी जिस क्षेत्र में जाएंगे आप, काम बिल्कुल एक नंबर है इनका। आज कांग्रेस कर देती तो इनकी नौबत ही नहीं आती आने की। इन्होंने काम नहीं करा, इन्होंने 10% जैसा भी रखा, इन्होंने 10% लगा, इन्होंने 10% रखा, काम पूरा करा इन्होंने। जहाँ भी जाएंगे जिस क्षेत्र में जाएंगे मजा ही आपको। गाँव जो बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी का माहौल जो काम जैसा है उनका, साफ सफाई के मामले में देख लो, गरीबों के मामले में देख लो, गरीबों के लिए सर अनाज दे रही है, रोजगार दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, और भी बाल बच्चों की शादी, जिसके माता पिता नहीं है बच्चों की शादी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है बाबू, बहुत बढ़िया। कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस
नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ने काम अच्छे करे और गरीबों के लिए बहुत सेवाएं दी है, रोजगार मिल रहा है, योजनाएं चलाई है, बहुत कुछ फायदा दिया है और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा अभी। कृपया ध्यान दीजिए, 13008 उद्यान आभा एक्सप्रेस रोहतक के रास्ते श्रीगंगानगर से आने वाली, आभा कैंप टुंडला के रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है। जैसे इंदौर के बारे में सुना था उसको ठीक वैसे ही पाया, इतना साफ सुथरा, सड़कें वड़कें बहुत अच्छी, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे दिखाई दिए, कहीं पे कूड़ा कचरा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पूरा पॉलीथीन फ्री है, चुनावी माहौल तो अच्छा है, सकारात्मक है। यही बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको ही आना चाहिए भाई, यही जितना नई नई योजनाएं चालू कर रही है और पब्लिक के लिए जो ये सुविधाएं मिली हैं ये बहुत काफी कुछ अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपुंजय पाठक है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ के रहने वाले? यूपी में बलिया जिला का रहने वाला हूँ। बागी बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। इंदौर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों? बहुत क्लीनेस सिटी है ये, बहुत साफ सुथरा सिटी, यहाँ के लोगों का व्यवहार भी, यहाँ के जो भी लोग मिले मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ घर बना लूँ रहने के लिए सच में। अब ये बताइए कि आपको यूपी से नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यूपी में तब 80 सीटें हैं। हाँ बिल्कुल, बीजेपी कह रही 80 में से 80, क्या चुनावी माहौल है? बिल्कुल 100% 80 में से 80 आएगी, बिल्कुल। बाबा योगी जी का पूरा प्रकोप है वहाँ पे, आज देखिए वहाँ पे गुंडा मोहाली सारे गायब हो गए, वहाँ पे एक्सप्रेस वे बन गए कितने, मेट्रो भी चालू हो गए, महिलाओं की सुरक्षा वहाँ देखी जा रही है, बिल्कुल 100% आपकी बार 400 के पार मोदी सरकार। इंदौर स्टेशन ही नहीं, पूरा इंदौर ही बहुत स्वच्छ है, आपको मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, और अगर 5 बार से अगर स्वच्छता में वो पहले नंबर पे आ रहा है तो वाकई में मैंने इंदौर की सिर्फ रोडें नहीं मैंने गलियां भी देखी हैं, इंदौर बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है और बहुत ही ज़्यादा साफ। अच्छा, अगर हम चुनावी माहौल की बात करें, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, इंदौर के आसपास रहते हैं, यहाँ का चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल ऐसा है इंदौर का कि पहली बात तो अभी आपने राज्यसभा का देखा ही था रिजल्ट कैसा आया था। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पहले की गवर्नमेंट में था वो चीज़ योजनाएं जो ज़मीन पर उतरती नहीं थी, जो कि पहले के खुद के प्रधानमंत्री का ये भाषण था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 50 पैसा पहुंचता है नीचे, तो वैसी चीज़ अब नहीं है। अगर अब है तो वो सारी चीज़ें नीचे उतरती हैं, धरातल पर आती हैं। आप चाहे उनकी जो भी योजनाएं ले लो, आप जितनी भी हैं, सुकन्या योजना है आपकी, जो है घर मिलना हो गया लोगों का, या फिर गैस सिलेंडर मिलना हो गया लोगों का, वो तो सारी चीज़ें धरातल पर। इसलिए आज जो लोग कहते हैं ना कि अरे अब मोदी की लहर नहीं, ऐसा नहीं है, उनका जो पीछे का 45 साल का संघर्ष है, जो उन्होंने जनता के बीच में रहकर संघर्ष अपना जीवन जिया है, उस वजह से है कि आज वो जनता के बीच में दिलों में छाए हुए हैं। मेरे विचार से जो मुझे लगता है कांग्रेस में ये गड़बड़ी है कि अभी भी वो ये चीज़ फोकस नहीं कर रहे हैं कि जनता को क्या पसंद है या जनता में क्या चाहिए। अभी भी वो नेताओं पर जाते हैं, अभी भी आप देखिए तो क्या कहते हैं, जितनी भी उनके नेता हैं वो सारे नेताओं में एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखती कि वो धरातल पर ज़मीन पर उतर कर वो काम करें। नहीं, उन्हें बस प्रचार करना है या फिर मंच पर बैठ जाना है, मंच पर बैठ के वहीं से भाषण देना है। आप जनता के बीच जाइए। May I have your attention please? 1-3008 Udyan Agra Express from Sri Ganganagar via Rohtak to Hawra via Tundla Agra Gant is now ready for departure from platform number 4. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Indore Railway Station जो रीडेवलपमेंट का काम पूरा प्लानिंग तैयार हो चुका है, इसमें तकरीबन जो है एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, तो इसके पास वाला उज्जैन स्टेशन है इसका भी डेवलपमेंट होगा, और इसके एकदम ही करीब वाला स्टेशन लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन वो अमृत भारत के तहत ऑलरेडी उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास का इंदौर के एरिए हैं, जैसे हम लोग एक नई लाइन की बात करें, इंदौर दाहोद नई लाइन है, इसका भी काम बहुत प्रोग्रेस से चल रहा है। May I have your attention please? 1-4-6-2-1 Tamil Nadu Express from Chennai Central
तो हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहां पर खड़ी हुई है मालवा एक्सप्रेस। ये मालवा एक्सप्रेस बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है। देखिए, ये शुरू होती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से, उसके बाद ये पहुंचती है भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, फिर इसके बाद ये जाती है उज्जैन, उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में, फिर वहां से ये ट्रेन रवाना होती है और पहुंचती है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, फिर वहां से ग्वालियर, जो संध्याओं की कभी राजधानी होती थी, उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है आगरा, उसके बाद जाती है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, फिर पहुंचती है देश की राजधानी दिल्ली में, फिर वहां से ये रवाना हो जाती है हरियाणा की तरफ, और हरियाणा को पार करते हुए पहुंचती है पंजाब लुधियाना, उसके बाद ये पहुंचती है जम्मू, और जम्मू में भी इसका सफर नहीं खत्म होता, जम्मू के बाद ये जाती है कटरा यानी माँ वैष्णो देवी के दरबार में। और अब हम इसी ट्रेन के साथ अपना चुनावी सफर क्या बोले भारत शुरू कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पूरी 29 सीटें हैं और बीजेपी कह रही है 29 की 29 जीतेंगे, तो क्या माहौल लग रहा है? नहीं, 29 की 29 है, बिल्कुल 100% माहौल है। हमारे सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट छोड़ दें तो बाकी पूरी सीटें क्लियर हैं अभी। हाँ, छिंदवाड़े की भी आएगी मोदी के वजह से, वो तो सब में मान लो, अपनी अयोध्या के मान लो, वो जय श्री राम होना है, तो सब पार्टी का यहाँ वो तो राम, अब राम के ऊपर चल रहा है, इन्हें भी राम नहीं शक्ति देगी जब तो ये मान लो चल रहा है, नहीं कोई अपने हाथ में है। कांग्रेस बारे और ये सब पार्टी तो 60-70 साल से जब राम मंदिर है तो ये ही उलझा है और अभी भी उलझा भी चक्कर में, इसलिए तो वे चुनाव की सोच रहे थे कि अभी चुनाव के बाद जाकर उद्घाटन, जैसे अखिलेश यादव बोल रहा हूँ कि अभी मान लो काफी थे हम नहीं जाएंगे निमंत्रण में और ये करेंगे वो करेंगे, इनकी अभी कोई की राय नहीं थी कि ये राम मंदिर का अभी कलग बना ही नहीं है अभी, अरे जब बना नहीं है तो भगवान कहाँ से है मान लो राज। वैसे इंदौर से हैं और इंदौर में तो हमेशा से ही ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही आती है और भाजपा ही जीतेगी, और इंदौर में इतना काम हुआ है कि आज से 10-15 साल पहले एमपी में हालत बहुत ख़राब थे, जब से भाजपा की सरकार आई है बहुत बढ़िया रोडों का काम हुआ है, इंदौर का भी स्वच्छ भारत का जो मिशन है बहुत बढ़िया है, और कहीं भी जाते हैं तो प्राउड फील होता है कि जब इंदौर का नाम लोग बोलते हैं कि इंदौर में इतनी साफ़ सफाई हुई है, और वास्तव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए हुआ है, रियल में ज़मीन पर भी हुआ है। मेरा नाम देव शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश के सिवरी डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। पहले महाराज कांग्रेस में थे तो उनको मतलब इतना लाइटली नहीं लिया लोगों ने, और मोदी लहर में मतलब वो एक सीट निकल गई। अब इस बार क्या है, महाराज को समझा, महाराज अब पार्टी चेंज कर ली तो अब बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छी तगड़ी जीत होना है इतिहास की, आप ये मान के चलो। और पिछली बार तो एक सीट आई थी मध्य प्रदेश से कांग्रेस की, मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार वो भी आएगी, क्योंकि अभी आपने मेरे को 100% श्योर हूँ मैं इस बार। थोड़ा एक रोजगार पर आती तो थोड़ा हमारे सर में झुक जाता है, क्योंकि सब कुछ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हुआ है, हम भी वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन वो आंकड़े देते हैं बीजेपी के सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मतलब युवा संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है तो वो बीजेपी को ही चूज़ करेगा। मुझे पूरे देश में भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। राम मंदिर का मुद्दा बहुत समय से जो लटका हुआ था, राम मंदिर के ऊपर भी इतना बेहतरीन काम हुआ है कि देखो, भारत भूमि को यदि आपको जानना है तो आपको हिंदू धर्म और राम जी को जानना ही पड़ेगा, और यदि राम जी का मंदिर बन गया है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो जितनी सीटें थी 51 सीटें और ज़्यादा करके भारत भूमि देगी, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है। हार जीत की तो के बाद सामने है कि बीजेपी इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, मोदी जी की लहर चल रही है, लहर के अलावा मोदी जी के काम भी हैं, और जो इस बार मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार है इस बार,
मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, जिन भी मुद्दों पे उन्होंने अपने इतने बड़े डिसीजन दिए हैं कि लोग खुश हैं। तो आज बीजेपी को देखा जाए तो जो मोदी जी एक फेस है, उस फेस को देख के ही बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। बड़ा चेहरा बन गए हैं और इनके पास झगड़े ही चल रहे हैं इन पार्टियों में, लोग आपस में ही सीट को लेकर के इनके प्रॉब्लम्स हैं। नहीं तो है, ये बात सच है बिल्कुल। मोदी जी को हर कोई अपना बड़ा भाई मानता है, कोई उन्हें अपने पिता तुल्य मानता है, और उन्होंने बहुत अच्छे मतलब जिस प्रकार के काम किए हैं, तो आज मैं भी बड़े गर्व से कहता हूँ कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और ऐसे व्यक्ति को भाई बनाना, पिता बनाना, पिता समान मानना कोई गलत बात नहीं, और वह हैं, ये लाइबिलिटी और कैलिबिलिटी है। पूरा चुनावी माहौल है, 2024 आ गया, चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि रोजगार की उसको देखते हैं तो रोजगार में बच्चों के लिए उनने कुछ नहीं किया है, और यहाँ तक कि उनने वादे किए हैं वो अभी तक कोई भी पूरे नहीं किए हैं। उनने मुख्यमंत्री जी ने शिवराज मामा थे उस टाइम पे, उनने 9300 जनसेवा मित्रों की भर्ती की थी, तो वो लोग थे उस टाइम। अब मोहन सिंह यादव जी आए हैं अपने सीएम, उनके आने से उन लोगों को हटा दिया गया है, और वादे किए वो वहीं के वहीं ख़त्म कर दिए। आ सकती है क्योंकि इसे मुद्दे पर काम किया है बीजेपी ने, राम मंदिर को लेकर के बाहर के क्षेत्र में अपने देश को सशक्तिकरण में। मेरे को बीजेपी लग रही है सर, बीजेपी आई है क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। चार काम बताओ उसका, बहुत से काम है उसके बीजेपी के, जैसे आवास योजना, गरीबों को मकान दे रही है मोदी सरकार, जो गरीब है आवास योजना के तहत उनको गरीबों को प्लाट मतलब दे रही है, उसके अलावा उनको बनाने के लिए वो दे रही है, मकान बनाने के लिए पैसे दे रही है सरकार, और उसके अलावा शौचालय, उनका शौचालय घर घर शौचालय बनवा रही है मोदी सरकार, और बहुत सारे काम है मोदी सरकार के। और मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सोचती है, बीजेपी सोचती है, मतलब गरीब परिवार की विषय में सोचती है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है, गरीबों के बारे में ज़्यादा सोचती है बीजेपी। वो इन्हें दे रही है महिलाओं के लिए, मतलब वो इन्हें दे रही है, जैसे अभी लाडली योजना निकाली उनने तो वो भी मिल रही है, अभी ये 1,00,000 रुपए की उनने योजना निकाली है, एक मशीन और 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब नगर पालिका से भरवा रहे हैं, तो अपने लाने मतलब फायदे हैं उसमें। ये अपने हाथ के पंजे वाले गए थे, उनने तो खाली अखबार उड़ाई थी कि मतलब 500 की टंकी देंगे और ये करेंगे, 1,500 से खाता खुलवाया सब, पर कोई योजना नहीं मिली थी। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस तरह का चुनावी माहौल है? चुनाव के बारे में तो यही कह सकते हैं, मोदी सरकार अच्छी चल रही है, मोदी जी आनी चाहिए। मोदी सरकार क्यों अच्छी चल रही है? नहीं, वो सुविधा अच्छी है ना, जैसे ये लाडली बहना योजना, पानी की व्यवस्था, और ये सब व्यवस्था अच्छी है। चुनाव आने वाला है जी, आपके नाम इंदौर के रहने वाले हैं जी, जी सर, हमारे यहाँ का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी का बहुत मतलब गढ़ माना जाता है। इंदौर से आप देखेंगे कि इस बार का जो 9 में से 9 सीट है, जो इंदौर के लोकसभा की 2 सीटें हैं उसके अंदर लगता है कि पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को ही जाने वाली है। पूरे भारत की बात करें, बिल्कुल सर, एक्चुअल में जैसे मैं युवा, जैसे आपने बात की तो मैं खिलाड़ी भी हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल की कोचिंग भी करता हूँ, और दिन रात बच्चों में ही होता हूँ, तो आप देखेंगे खेलो इंडिया के जो इवेंट हो रहे हैं या बच्चों को अभी खेलने के लिए मौका मिल रहा है, जैसे बींग अ कोच अभी मैं पटियाला जा रहा हूँ कोर्स करने के लिए, तो NIS एक जो कोर्स होता है वो करने के लिए जा रहा हूँ कोचिंग की फील्ड का, तो खेलो इंडिया ने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों के लिए कि अभी उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, बच्चों को मतलब जो ग्रास रूट लेवल से काम होना चाहिए, स्कूल लेवल से उससे काम होकर कॉलेज लेवल तक बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इसलिए छोटा बच्चे से भी आप पूछेंगे ना, अगर आप किसी खिलाड़ी से, जनरली आप जानते हैं खिलाड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं स्पोर्ट्स राजनीति को लेकर, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से ना सभी, एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा खिलाड़ी उनको जानता है, क्योंकि इतनी सारी स्कीम चल रही है, स्पेशली खेलो इंडिया स्कीम। मध्य प्रदेश में महाकाल का दर्शन करने आया हूँ जी, जी हाँ, वो तो महीने में एक बार हो जाता है, बहुत 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 बन गया है लगभग, बहुत अच्छा लगा, हम जानते हैं कि 90% बन गया कॉरिडोर, 10% और बाकी है, वो भी बन जाएगा अगले आने वाले 5 साल में, तो वो भी बन जाएगा। हम तो दे रहे हैं बनारस कहाँ से कहाँ पहुँच गया मोदी के चलते, वो तो हम तो उसी को देखेंगे, बाकी सब लोग तो देश को देखते हैं, लेकिन हम लोग अब बनारस को ही देखते हैं। ये
ये बताइए कि आप बनारस की बात कर रहे हैं, आपने देखा और आपने महाकाल भी गए, आपने बताया ओमकारेश्वर भी गए, मतलब तीर्थ यात्रा में आपका बहुत रुचि लग रही है, तो मोदी जी तीर्थों के लिए जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ का हो चाहे काशी, अभी तो लग रहा है कि हम पहले जानते थे कि जैसे पुराने लोग थे 50 साल से ऊपर के, तो वो टीका फटीका लगाते थे, नए लोग नहीं लगाते थे, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं नए लोगों के अंदर ये हिंदुत्व की भावना ऐसी हो गई है कि सारे लोग चंदन टीका लगा के दिखा रहे हैं कि हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये तो 10-15 साल में ही आई है, तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हिंदुओं का धर्म तो मंदिर था, वो मस्जिद के नीचे दबाया हुआ था, आज मोदी जी ने उसको ऊपर कर दिए हैं, उभार दिए हैं। नीचे का जो हिंदुओं का मंदिर है सबको नीचे तोप दिए थे मुस्लिम ने, आज मोदी जी ने उसको ऊपर कर दिए हैं। हाँ, इसको देखो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि तो आया है कोई मंत्री नेता कि उसको हिंदुओं को धर्म को ऊपर किया है। मंदिरों का बहुत विकास कर रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं, सब चीज़ का विकास कर रहे हैं मोदी जी। सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, ये नहीं कि केवल मंदिरों का हो रहा है। भावना भावना जागृत किए हैं, हिंदुत्व की भावना तो जागृत किए हैं, साथ में हर काम हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पड़ा है और सब नहीं हुआ है, आईटी सेक्टर नहीं पड़ा है, सब कुछ बढ़ा है, साथ में ये भी अटू किए हैं। आप मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? हम तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं हमको, और वे सब काम में बहुत अच्छे कर रहे हैं। अयोध्या में इतना अच्छा काम करा है उनने, पूजा राजा करी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम परिवार ही मानते हैं उनको, भाषा के हम हिंदू हैं, रघुवंशी हैं हम, हमें बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। कांग्रेस इस वक्त के समय में कोई नेता सही नहीं है और एक के एक सब द्रोही हैं, मतलब कोई से कोई मतलब नहीं रख रहे और सब फूट डाल रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपनी चाह रहे हैं, कमलनाथ अपनी चाह रहे हैं, ऐसे में माधोराम ने चाह ज्योतिराज ने सब चले ही गए, कितने जा रहे हैं, क्योंकि जो 50 साल पुराने नेता हैं सब। May I have your attention, please? 12621, Tamil Nadu Express from Chennai Central. तो इस तरह से हम मालवा एक्सप्रेस में इंदौर से सवार हुए थे, और इंदौर से सवार होने के बाद हमने मालवा एक्सप्रेस में, जहां पर हमें देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग मिले, कोई काशी से था, कोई बलिया से था, कोई अलग इलाकों से था, उन सबसे हमने बात की। मध्य प्रदेश के नागरिक तो हमें इस ट्रेन में मिले ही, उनसे भी हमने चर्चा की। और मालवा एक्सप्रेस में हम सवार होने के बाद अब पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसे लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या राजनीतिक सोच रखते हैं। यहाँ हम उज्जैन के लोगों से बात करके उनकी राय समझने की कोशिश करें। तो इस वक्त हैं हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जो ज्यादातर यात्री होते हैं वो महाकाल का दर्शन करने के बाद या महाकाल का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ऐसे ही मुझे मिले हैं दो युवा जो मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं, चंबल के रहने वाले हैं, और ये पहली बार 2024 में अपने वोट क्या इस्तेमाल करेंगे। Yes, sir. तो क्या लग रहा है आपको इस बार, जब पहली बार जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से चुनावी मुद्दे जो हैं वो आपके दिमाग में चल रहे होंगे? सर, पहली बार तो हम युवा हैं, तो युवा के नाते अपने आगे की मतलब फ्यूचर को शक्कर करते हुए सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। ऐसे बीजेपी कांग्रेस मेन दो पार्टी है, तो हम मतलब ऐसे बीजेपी को तो देने मैं थिंक ही नहीं कर रहा बीजेपी को देने की, क्योंकि जो जब की सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, रेलवे प्राइवेट, एयरप्लेन प्राइवेट, सब चीज़ प्राइवेट, और आगे चल के और जो टीचर है, टीचर वाली भर्ती भी अब दो आईएएस आईपीएस जैसे कर दी है, उनने भी दो चरणों में होंगी, पहले एक चरणों में होती थी, अब वो भी प्राइवेट होने वाली है आगे चल के, सब चीज़ प्राइवेट, तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी सर? आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस यस यस। मेरा मानना यही है बीजेपी पार्टी में सबसे बेस्ट है, कांग्रेस पार्टी पहले बहुत साल रह रही, कुछ नहीं दिया उन्होंने, सारी चंबल वगैरह सब गिरवी रख दी, कर्जा कर देते हैं, और वो हिंदुओं से बिल्कुल विपक्ष में रहते हैं, मुस्लिमों का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर जो धार्मिक स्थल थे उनका बड़ा विकास हुआ है, और लोगों के युवा पीढ़ी में रुचि बढ़ी है जाने की। तो आप जब उज्जैन आए, महाकाल देखा तो महाकाल कॉरिडोर भी देखा होगा, तो क्या महसूस किया? महाकाल कॉरिडोर बहुत अच्छा है, वो जो मूर्तियाँ है, कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाए है, पर्यटन के लिए वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सभी को आना चाहिए, बहुत अच्छा है। वैसे ही काशी में हो गया, केदारनाथ हो गया,
कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है, पर्यटन के लिए बहुत सारे सुविधा हो गए और राम मंदिर भी हो गया। इस बात के लिए तो मोदी के लिए। आप लोग धार्मिक पर्यटन करते हैं, अयोध्या राम मंदिर जाने का कोई प्लान है? राम मंदिर धार्मिक एक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तेजन मतलब स्थल है वहाँ पे, और मोदी सरकार ने वो बनाया। अभी हम कटरा वैष्णो देवी से आए हैं, इस साल हमारा राम मंदिर जाना निश्चित है। तो इस वक्त उज्जैन स्टेशन पर हमें जो है वो खास महिलाओं का एक दल मिला है, एक मंडली मिली है, और इनकी खासियत ये है कि ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिणी इलाके जगदलपुर से उज्जैन आई हैं महाकाल के दर्शन करने, और साईं भजन मंडली के नाम से इनकी मंडली है। मैं इनसे चर्चा करूंगा कि महाकाल के दर्शन जब किए तो किस तरह का इनका अनुभव रहा। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप जब महाकाल के दर्शन करने गई तो किस तरह का अनुभव था, सारी सुविधाएं वगैरह कैसी? पूरा सुविधा मिला सर हमको, सब अच्छा हुआ, मैं हम लोगों को पूजा भी अच्छा मिला, सब अच्छा ही था। पहली बार उज्जैन आया सर, मन की शांति हुई और बहुत कुछ अच्छा हुआ, सब चीज देखने। जी 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 सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद ही आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा। मन ही नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ेगा। हम रो रहे थे आज जब बाबा से मिलने गए ना, जब हमको घर जाना है लास्ट बार, तो हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। पहले क्या होता था कि मंदिरों को लेकर उतना विकास कार्य नहीं हुआ, धार्मिक स्थल थे। अब हम देख रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर में, वहां पर विश्वनाथ मंदिर के अंदर काम हुआ, सोमनाथ मंदिर में कार हुआ, बद्रीनाथ में कार हुआ, महाकाल में कॉरिडोर बना। आप चूंकि भजन मंडली से जुड़ी महिलाएं हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो धार्मिक स्थल है उनके विकास का कार्य बहुत अच्छा हुआ है पिछले कुछ समय में? बहुत अच्छा हुआ। जैसे सर अभी जैसे उज्जैन हमने पहली बार आया है, लेकिन इनका वहाँ का जो भी वातावरण था, इतना आनंद आया कि हम दिल खुश हो गए। आप लोग भजन मंडली चलाते हैं, बाबा महाकाल की नगरी में है, तो कोई बाबा भोलेनाथ का कोई भजन सुना दीजिए। सुना हे भोलेनाथ काहे ने हन गाए हो, हे भोलेनाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आपको भारत को समझना है तो ट्रेन का सफर सबसे उत्तम सफर है। अगर भारत के मानस को समझना है तो ट्रेन के सफर से बेहतर कोई और सफर हो नहीं सकता। अगर भारत की सियासत को समझना है तो इससे अच्छा जरिया कुछ और हो ही नहीं सकता, और हमने यही पाया। जब हम इंदौर से चले और उज्जैन तक हमने सफर किया तो ट्रेन में हमें कई तरह के यात्री मिले। यहाँ बालवा के लोकल निवासी भी थे, इंदौर उज्जैन के नागरिक भी थे, मध्य प्रदेश के यात्री भी थे, और साथ में भारत के कई अलग अलग इलाकों से जो महाकाल नगरी में सफर करने आए थे, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। और हर बातचीत में एक नई सोच, एक नया जरिया समझ का हमको नजर आया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करें शुरुआत।